आज हम एक ऐसे विषय की बात करेंगे जिसको लेकर इन दिनों बहुत बहस छिड़ी हुई है। अधिकांश ऐसे लोग हैं जो विषय की गंभीरता को समझे बिना ही अपनी बात कह देते हैं। हालिया वर्षों में राजनीतिक कारणों से विरोध या समर्थन करने की खतरनाक प्रवृत्ति तेजी से विस्तार हुआ है। जातीय जनगणना इससे अछूता नहीं है। जी हां, आज हम बात जातीय जनगणना की करेंगे। आज के मेरे इस रिपोर्ट को लेकर आप सहमत हो सकते हैं, सहमत नहीं भी हो सकते हैं, पर मुझे लगा कि यह ज्वलंत मुद्दा है और इस पर एक रिपोर्ट जरूरी है। केकेएन लाइव के खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आज हम जातीय गणना के इसी औचित्य की पड़ताल करेंगे। नमस्कार, मैं कौशलेंद्र झा जातीय गणना को आज की जरूरत मानता हूं। यह समाज की एक कड़वी हकीकत है और इससे सरकार को मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जब योजनाएं जाति के लिए बनाई जाती है और सुविधाएं जाति को दिए जाते हैं, ऐसे में उनकी गणना करने से परहेज क्यों? यह बड़ा सवाल है और आज हम इसी सवाल की पड़ताल करेंगे। बात की शुरुआत 20 जुलाई 2021 से करते हैं। उस रोज संसद का सत्र चल रहा था। सांसदों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 की जनगणना में एससी और एसटी के अलावा अन्य जाति की जातिवार गणना नहीं होगी। इसके बाद बिहार समेत पूरे देश की राजनीति में उबाल आ गया। विपक्ष के नेता जातीय गणना की मांग करने लगे, तर्क गढ़ा जाने लगा और जातीय गणना को देश के हित में बताने की होर लग गई। कहा जा रहा है कि इससे जरूरतमंदों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक मदद मिलेगी। दूसरी ओर केंद्र की सरकार जातीय गणना को समाज को खंडित करने वाला कदम बताकर इसे इनकार कर रही है। जातीय गणना को लेकर सर्वाधिक गर्माहट बिहार में है। बिहार विधानसभा ने फरवरी 2019 में एक प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा हुआ है। इस प्रस्ताव में बिहार की राजनीतिक पार्टियों ने जातीय गणना की मांग की है। यह प्रस्ताव वर्ष 2019 के फरवरी महीने में ही केंद्र को भेज दिया गया था। यानी बिहार की राजनीति पहले से जातीय गणना के लिए संजीदा है। लिहाजा अब बिहार में कर्नाटक की तरह राज्य सरकार के द्वारा अपने खर्चे पर जातीय गणना करने की मांग भी जोर पकड़ने लगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि विरोध हो अथवा समर्थन, कारण राजनीतिक है। लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हालांकि इस बीच अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि सभी जातियों की गणना होनी चाहिए ताकि हकीकत सामने आ सके। इससे सभी को समान रूप से उसका हक मिलेगा और सामाजिक तनाव में भी कमी आ जाएगी। कहते हैं कि प्रजातंत्र में प्रजा की मांग को सर्वोपरि माना गया है। जब अधिकांश लोग जातीय गणना की मांग कर रहे हैं तो सरकार को जरूर गंभीर होना चाहिए और यह समय की मांग की है। वर्ष 2010 में मनमोहन सिंह की यूपीए 2 की सरकार ने जातीय गणना कराया था। इस जनगणना में जातीय आंकड़े तो जुटाए गए लेकिन इसका प्रकाशन नहीं हुआ। सवाल उठता है कि इसका प्रकाशन क्यों नहीं हुआ। दरअसल भारत में जातियों का आंकड़ा बहुत उलझा हुआ है। यहां जातियों के भीतर कई उपजातियां हैं। कहते हैं कि जनगणना रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे। मसलन भारत में करीब 46 लाख जातियों का इस रिपोर्ट में खुलासा होने से अधिकारी सख्त में पड़ गए। इसका मतलब तो यह हुआ कि प्रत्येक 72 परिवार पर देश में एक जाति बदल जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? और इसी को आधार बनाकर जातीय गणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का निर्णय नहीं लिया गया। अब इसको एक और रिपोर्ट के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है। यह आयोग सभी राज्यों में पिछड़ी जातियों की लिस्ट तैयार करता है। आयोग के लिस्ट के मुताबिक बिहार में ओबीसी की कुल 136 जातियां हैं, जबकि कर्नाटक में इनकी संख्या 199 हो जाती है। इसी प्रकार अलग अलग राज्यों में इनके अलग अलग संख्या बताए गए हैं। यानी केंद्र और राज्यों के द्वारा बनाई गई ओबीसी लिस्ट की मिलान की जाए तो सिर्फ इसी वर्ग में जातियों की संख्या हजारों में पहुंच जाती है। लिहाजा कई लोगों का मानना है कि पहले किसी एक्सपर्ट कमेटी का गठन करके ओबीसी के लिए खास मानक निर्धारित किया जाए
और इसी को आधार बनाकर ओबीसी की परिभाषा भी तय कर दी गई। इसके बाद उसी हिसाब से जनगणना अधिकारी को ट्रेनिंग देकर जातीय जनगणना करनी होगी, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। दरअसल यह एक तकनीकी पहलू है और इसे इनकार नहीं किया जा सकता, पर मेरा मानना है कि जब तक ओबीसी की परिभाषा तय नहीं होती है तब तक प्रचलित जातियों की गणना करने में हर्ज क्या है। कहते हैं कि ब्रिटिश इंडिया की सरकार ने भारत में पहली और आखिरी बार जातीय गणना वर्ष 1931 में की थी। वर्तमान का पाकिस्तान और बांग्लादेश उस वक्त भारत का हिस्सा हुआ करता था, तब देश की कुल आबादी करीब 30 करोड़ की हुआ करती थी। इस गणना में हिंदू वर्ग में पिछड़ी जातियों की संख्या 43.70 और अल्पसंख्यक में पिछड़ी जातियों की संख्या 8.40 बताई गई, यानी कुल मिलाकर पिछड़ी जातियों की कुल संख्या 52.1 होती है और इसी को आधार मानकर आज तक योजनाएं बनती रही। यहां एक बात और है जो गौर करने लायक है, ब्रिटिश इंडिया ने वर्ष 1941 की जनगणना के दौरान भी भारत में जातियों की गिनती की थी, किंतु दूसरे विश्व युद्ध का हवाला देकर इसके प्रकाशन पर उस वक्त रोक लगा दिया गया था। आजादी मिलने के बाद भारत की सरकार ने पहली बार वर्ष 1990 में जनगणना कराया था, किंतु इसमें जातीय गणना नहीं की गई थी। तब से भारत में यही परंपरा चली आ रही है। स्वतंत्र भारत में 1991 से 2011 तक की प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर अन्य किसी जाति की गणना नहीं की गई। हालांकि वर्ष 2011 में जातियों की गणना तो हुई पर आंकड़ों का प्रकाशन नहीं किया गया। यहां आपको जान लेना जरूरी है कि ब्रिटिश इंडिया ने पहली बार भारत में 1881 में जनगणना किया था और इसके बाद प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होती रही। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भारत की जनगणना में शिक्षा, रोजगार और मातृभाषा की गणना करने का प्रचलन था, जो जरूरत के हिसाब से आज बदल चुका है। अंत में कहना चाहूंगा कि जातीय जनगणना से किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है और ना ही इससे समाज में किसी तरह का तनाव फैलने वाला है, लिहाजा इसको लेकर किसी को भी भ्रम में रहने की कोई जरूरत नहीं है, राजनीतिक बहकावे में आने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सभी के हित में होगा। दरअसल यह आज की जरूरत है और इसके लिए संवेद प्रयास करने से सामाजिक सौहार्द और बढ़ेगा, जरूरतमंदों को उसका उचित लाभ मिल जाएगा, इससे सामाजिक असंतोष में कमी आएगी और सरकार को भी विकास की योजना बनाने में कारगर मदद मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।